यार नमाज पढ़ के आके वॉक करनी चाहिए, क्योंकि वॉक जो है सबके सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। और नहीं मैं तो लगा सोने। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, आई जस्ट वेक अप एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन द फन विल स्टार्ट्स। लो जी नाश्ता है 8:30, उससे पहले हम खेलेंगे थोड़ी सी क्रिकेट क्योंकि हम आ गए हैं जल्दी। अल्लाह और जहां से इनको पकड़ के यानी कि मेरे साथ कोई दूसरा बंदा भी है तो मैं इनको यहां से पुश करूं डकार लो। अब ये क्या करेंगे कि इनका हिस्सा जो अंदर लंग सिस्टम जिगर पे फर्स्ट एड की वो समझ लगी है, कुछ समझ नहीं लगी है बस वो सांस फूला हुआ। दो मानी अल्फाज भाई ने इतने का यूज किया है ना। अभी फर्स्ट एड सेशन के बाद हम फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये मेरे साथ हैं उसामा भाई, हमारे मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे सीनियर हैं। उसामा भाई आप क्या कहना चाहेंगे अब फिजिकल एक्टिविटीज जो होने चाहिए? यार फुल कमिटमेंट से पैशन से एक्टिविटीज करनी चाहिए, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, फुली एंजॉय करना चाहिए। पार्टी करे फुली पार्टी करो, काम करे फुल लगा के काम। दे रहा हूँ तुम ऐसे खड़े हो गए तो मेरे अफसर हो, ये वो साथ निकाल दे सारे। कभी आपने वो डायमंड की दोबन देखी है? डायमंड की दोबन वो क्या होती है? उसका पटका लड़की और मोटी लड़की मोटी औरत देखी है कभी? मोटी लड़की मोटी औरत इंतजार कर रही है इसका करें अंग्रेजी में तर्जुमा एक लफ्ज सर मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग खेला था ठीक है जी। इसमें काउंट होनी है खेलने के लिए स्टेपिंग आपकी ऑब्जर्वेशन ये खेल रहा हूं लग रहा था आप यानी को ताते थे आप तो कोई किसी की आंख में लग सकता है किसी के पेट में लग सकता है कि एक साइड से स्टार्ट करके ऊपर रह गया साइड फ्रंट पे जब केजी चार बंदे अंदर गए रोड उतारे इस तरह सारी चीजें जो है ना आजा उस्ताद आजा मेहनत किसी और दी ते मौजा साडिया गुड टेंट लगा के टेंट लगा बहुत मेहनत की है यार बहुत कुछ भी नहीं किया हमने किए मैंने रस्सी से डिस्टेंस नोट कर ले ठीक है जी और अपने कितने स्टेप उठाने हैं आपने कितना उठाएंगे ये सारा देख लीजिए जी ठीक है स्टार्ट कर दें जी कर दें और आप सब लोग काउंट करते जाएंगे ठीक है जी 1 2 3 चलो सब मिलकर काउंट करें ना लगे 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 लगे
प्रैंक हो गया आपके साथ। हाँ इधर इधर ही चल। हाँ गैप रख के खड़े हो आप लोग, गैप रख के खड़े। तो लैग नहीं चेक क्यों? चले चले आगे नहीं जाना। का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो कुछ लोग चलते हैं ये इस तरह, ठीक है, कई लोग चलते हैं पकड़ के इस तरह, बहुत द वेज आर। चल जा चढ़ जा चढ़ जा। राम से राम से राम से आन दो आन दो। शाबाश शाबाश शाबाश, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ग्रीन आ, शाबाश, वेल डन, हो गया हो गया हो गया, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, जल्दी आ जाओ, हां जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 फेंस लगी हुई है, टच किया तो शहीद हो जाएंगे, इसलिए इसको टच नहीं करना। बॉक्स आपके पास है, ये है, ये वाला है, ये है और ये थी, यानी कि ये इकट्ठे हैं सारे और वो अकेला बॉक्स वहाँ। एक्टिविटीज हमारी सारी हो गई हैं, अब फिजिकल एक्टिविटीज, अब नहा धो के जुमे की तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह जुमा पढ़ते हैं। भाई भाई चाचू यार, जब मैं रूम में आया तो मैंने कुछ आवाजें सुनी, तो ये दरवाजा कौन है मैं पता लगा। चौधरी साहब सो रहे हैं, क्या बात है यार, हम लोग उधर सेशन लेके आ रहे हैं और भाई जन मदद से सो रहे हैं। हमारे दिन के जितने भी सेशंस और मॉर्निंग एक्टिविटीज़ थी और प्रेजेंटेशंस थी वो तो ख़त्म हो गई हैं, अब जो इवनिंग में प्रेजेंटेशन है उसकी तैयारी का वक्त है और थोड़ी इन्जॉयमेंट है, करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का कैंपस है बारह गली में, तो हमने अभी वहाँ बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वहाँ सिग्नल नहीं आता जब आपकी कॉल आई, मतलब कि हमारे दो से तीन सेशन होते हैं रोज़ के, हम कॉन्फ्रेंस रूम में जाना होता है, तो वहाँ उसके बारे में एक्सीलेंस जो हमारी एक्सीलेंस है उसका गहरा तल्लुक है एथिक्स के साथ, उसका गहरा तल्लुक है एथिक्स के साथ, और एथिक्स किस तरह आती है, वो आती है कोर वैल्यूज से। कोर वैल्यूज क्या है? इंटेग्रिटी, आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी और आपकी फॉरगिवनेस, ये सब आती है कोर वैल्यूज में, और अगर आपके अंदर ये कोर वैल्यूज ही नहीं है तो आप परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस पे कभी फाइल्स हो ही नहीं सकते। बेशक आप जितने मर्जी लेवल पे आप कामयाब हो या आप जितने मर्जी महान बन जाओ, लेकिन आप उस वक्त तक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस पे नहीं आ सकते जब तक आपके अंदर ये कोर वैल्यूज ना आए। दैट्स इट। आज दिन में हमारी दो प्रेजेंटेशन थी, एक सुबह दिन टाइम थी और एक मगरिब टाइम, और अभी प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ, रूम में आ गया हूँ, लेकिन अभी दोबारा जाना है क्योंकि अभी नमाज है, नमाज के बाद खाना है और खाने के बाद डाइनिंग हॉल स्टोरीज है, उसके बाद रूम में, और रूम में आके सो लेंगे, मूड तो अभी भी सोने का ही है वैसे, लेकिन तब आखिरी दफ़ा आके सोएंगे।
जब वो वहां से वापिस आई तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो छोटा सा मुन्ना सा क्यूट सा बेबी था उसके पाँव की जगह से पानी फूट पड़ा और वहां से पानी मुसलसल निकलना शुरू हो गया। तो वो बड़ी हैरान हुई कि वाओ यहाँ से तो पानी निकल आया, और उन्होंने उस पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया और कहा कि जम जम रुक जाओ, जम जम रुक जाओ। पानी तो रुक ही नहीं रहा था। बहरहाल बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने पानी को रोका और पानी ढेर सारा खुद भी पिया और छोटे से मुन्ने को भी पिलाया। ये एक अल्लाह ताला का मौजज़ा था कि जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए। यार इस टाइम ये कमरा जो है ना जन्नत लग रहा है। शाबाश बिलाल, शाबाश।